जुड़ने के लिए। जी शुक्रिया। ये थी उपमा शर्मा जो कि मेरे साथ जम्मू से फोन लाइन पर जुड़ी हुई थी, और इसके बाद सीधा चलेंगे डोडा किश्तवाड़ की तरफ, जहां इस समय मेरे साथ फोनलाइन पर इस मॉर्निंग अपडेट में जुड़ेंगे अर्जुन, और अर्जुन से जानेंगे कि आखिर डोडा किश्तवाड़ की बात करें तो वहां पर क्या चल रहा है। अर्जुन मेरे सहयोगी मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग अर्जुन। गुड मॉर्निंग। अर्जुन सबसे पहली खबर की तरफ चलेंगे, जिस तरह से कल की बात करें तो एक सड़क हादसा वहां पर पेश आया था, क्या अपडेट आपके पास है इस सड़क हादसे को लेकर? जी रवि आपको बता दूं कि कल सुबह 11:30 बजे की बात है, जब पुलडोड़ा के करीब ये एक्सीडेंट हुआ था। किरण नाम की गाड़ी थी, और ये आपको बता दूं कि पुलडोड़ा से जो है वहाँ साथ में पेट्रोल पंप है, वहाँ पे पेट्रोल भरने गई थी, लेकिन अभी तक जो हमें मालूमात हुई है ये ड्राइवर वहाँ बगैर तेल भरे ही गाड़ी वापस लेकर के आ रहा था, और 1 किलोमीटर वापस आने के बाद गाड़ी पे नियंत्रण खो बैठा और ये गाड़ी जो है दरियाए चिनाब में चली गई। तो अभी तक जो है रवि मैं आपको बता दूं कि अच्छे से पता नहीं चल पा रहा है कि वो ड्राइवर वहां से भाग करके कहीं चला गया या नहीं, क्योंकि उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन पुलिस से जब हमने रब्ता किया तो उनका मानना है कि इसमें ड्राइवर और एक कंडक्टर थे, शायद दोनों ही अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी तक तहकीकात जारी है क्योंकि बस का भी सुराग नहीं मिला है। कल पूरे दिन भर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे चलता रहा, एनडीआरएफ की टीम हो, पुलिस की टीम हो, जितने भी वहां एनजीओ हो, उन सब ने कोशिश की वहां पर कि उस बस को ढूंढा जाए, लेकिन आप जानते हैं कि दरिया चिनाब की गहराई और उसमें जब बहुत सारी चीजें आज तक जो है नहीं मिल पाई, तो कोशिश जारी है। तो अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है कि उसमें वो जो दो व्यक्ति थे ना ही उनका अभी पता चल पा रहा है। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों की मृत्यु हो चुकी है, और अब देखना होगा कि अर्जुन कुछ ऐसी भी खबरें आई थी कि जो चालक था वो वाहन से कूद गया है, क्या किसी ने वहां पर कोई देखा, क्या कोई चश्मदीद वहां पर? जी रवि ये अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन मैंने जब पुलिस से पता करने की कोशिश की तो ये अनुमान ही अभी तक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि मालूम नहीं चल पा रहा है, क्योंकि कहा गया पहले कि वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल में है, लेकिन जब हॉस्पिटल में पता किया गया तो वहां पर वो शख्स मौजूद नहीं था, जगदीश नाम का वो शख्स है जो गाड़ी चला रहा था, तो उसका अभी तक पता नहीं चला है। तो रवि अभी हम सीधे तौर पर ये नहीं कह सकते जब तक इसमें पूरी ये नहीं हो जाती, जब तक गाड़ी को ढूंढ लिया नहीं लिया जाता, तो ये अनुमान ही लगाया जा रहा है अभी तक, क्योंकि जगदीश नाम के व्यक्ति का अभी तक तलाश जारी है, अभी तक मालूम नहीं है वो कहाँ है, तो गाड़ी चिनाब में समा चुकी है, वो कहीं दिख नहीं रही है, तो इसलिए ये अनुमानों के ही इसमें है अभी, तो अनुमान ही लगाया जा रहा है कि शायद उन्होंने छलांग लगाई हो, लेकिन ऐसा नहीं है रवि जी। इसके बाद शिवरात्रि की बात करेंगे अर्जुन, शिवरात्रि को लेकर महाशिवरात्रि जो पर्व है उसको लेकर किस तरह की तैयारियां जो है डोडा और किश्तवाड़ की तरफ चले तो वहां पर की जा रही है? इस शिवरात्रि को लेकर के डोडा हो या किश्तवाड़ हो, दोनों ही जगहों पर बहुत धूमधाम से इसकी तैयारियां हो रही हैं। शिवरात्रि का पर्व हमारे आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ी प्रथा रखता है और ये बहुत बड़े मायने रखता है, तो शिवरात्रि की तैयारियां एक हफ्ते पहले ही हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा हो या किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हो, दोनों में ही शुरू हो जाती है। मंदिरों की सजावट हो, मंदिरों की रख रखाव साफ सफाई हो, बहुत ही रंग बिरंगे ढंग से उसको किया जाता है, और इस वक्त जो है उसी ही उत्सुकता से लोग जो है शिवरात्रि की तैयारी कर रहे हैं, और क्योंकि लॉकडाउन के दौरान पिछले वर्ष भी जो है आप जानते हैं कि शिवरात्रि का त्योहार लोग जो है घरों में ही मनाया था, तो एक साल गैप होने के बाद इस बार शिवरात्रि को जो है और बढ़ चढ़ के लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार वो सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, तो इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि मंदिरों में बहुत ज्यादा रश होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, रवि मैं आपको वो भी कह दूं कि जहां पर बड़े बड़े मंदिर है शहरों के अंदर, हमारे किश्तवाड़ या भदरवा हो, वहां पे कड़ी चौकसी भी लगा दी गई है ताकि उसी पर, तो इस प्रकार की घटना ना। उसी पर अर्जुन में आने वाला था कि सुरक्षा के वहां पर किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं शिवरात्रि को लेकर? जी वही मैं आपको बता रहा हूँ रवि कि सुरक्षा के बंदोबस्त बहुत ही अच्छे हैं, कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से कि कोई अनहोनी घटना ना हो, और जितना भी ये शिवरात्रि का त्योहार है ये अच्छे से लोग मना पाए और इसमें कोई विघ्न ना पड़े, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट जो इस फिलहाल जो है जहां जहां पर जरूरत है वहां पर पुलिस को डिप्यूट कर रहा है और उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहा है रवि। इसके बाद अर्जुन किसान मेला जो है वो गंदो में एक लगाया गया था, क्योंकि किसान जो है वो वहां पर मौजूद थे, क्या पूरा अपडेट आपके पास है किसान मेलों को लेकर?
जी, किसान मेले को लेकर के हमारे पास यही अपडेट है कि वहां पर किसान मेला पहली बार जो है इतने बड़े लेवल पर जो है भलेसा के अंदर सेलिब्रेट किया गया, और वहां पर जो एग्रीकल्चर जो डिविजनल है एग्रीकल्चर ऑफिसर शमी कोतवाल है वो खुद वहां पर गए थे रवि, और वहां पर जो टेक्नोलॉजिकल यानी कि जो एडवांस खेती बाड़ी है उसके बारे में लोगों को बताया गया, और ऑर्गेनिक खेती के बारे में रवि लोगों को समझाया गया कि जिस प्रकार से लोग केमिकल का प्रयोग करके सब्जियां पैदा करते हैं या दूसरी खेती बाड़ी पैदा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है आप ऑर्गेनिक खेती की ओर ध्यान दें, ताकि और क्योंकि पहाड़ों में जो है लोग ज्यादा मक्की लगाने की कोशिश करते हैं जिससे ज्यादा आमदनी लोगों को प्राप्त नहीं होती। लेकिन एक और भी चीजें आपको बता दूं कि जैसे सेब की खेती हो या अखरोट की खेती हो उसको लेकर के भी रवि मैं बता दूं कि वहां पर बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया, क्योंकि भलेस का जो अखरोट है वो जम्मू डिवीजन पे पिछले ही कुछ दिनों पहले एक मेला हुआ था जम्मू में, वहां पर फर्स्ट पोजिशन पे पूरे जम्मू रीजन में आया है इसकी क्वालिटी को लेकर के, तो इसका वहां पर बहुत जी जो किसान वहां पर गए थे कि आपने उनसे बात की, किसान कितने उत्साहित थे इस मेले को लेकर और क्या उनसे कहा इस मेले को लेकर कि यहां पर शामिल होकर जानकारी हासिल करके उनको कैसा लगा? जी, मैंने किसानों से भी बात की तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार के और भी कार्यक्रम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को यहाँ पे करने चाहिए, क्योंकि पहाड़ में लोगों को इस प्रकार की एडवांस्ड खेती बाड़ी की टेक्नोलॉजी को लेकर के जानकारी नहीं है, तो उनको जितनी भी आज जानकारी प्राप्त हुई वो बहुत उत्सुकता से वहां पर सुनते हुए नजर आए, और उन्होंने डिपार्टमेंट से कोशिश भी की सॉइल टेस्टिंग को लेकर के उन्होंने बात की, क्योंकि बहुत सारी जमीनों में जो ऐसी खेती बाड़ी कर देते हैं जो सॉइल जो है उसको जो है पैदा नहीं कर पाती है, तो सॉइल टेस्टिंग को लेकर के भी वहाँ डिपार्टमेंट द्वारा समझाया गया। किसान बहुत खुश नजर आए कि अब वो जो है एक नई राह की ओर एक नई तरीके से खेती बाड़ी करके जो है अपने लिए आमदन पैदा कर सकते हैं, जो इस वक्त जो है बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि नौकरियां रवि इस वक्त लेना तो मुश्किल है, लेकिन खेती बाड़ी के माध्यम से हम अपने भविष्य को और यहाँ के लोगों का मानना है कि उसको संवार सकते हैं और एक नई राह पर जो है जा सकते हैं। रवि बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन मेरे साथ इस मॉर्निंग अपडेट में जुड़ने के लिए और जानकारियां डोडा के की हमारे साथ साझा करने के लिए। ये थे अर्जुन जो कि मेरे साथ डोडा किश्तवाड़ से जुड़े हुए थे और इस मॉर्निंग अपडेट में हमारे साथ जानकारियां ये साझा कर रहे थे डोडा और किश्तवाड़ की। आज के मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही, कल इसी समय में रवि शर्मा आपके सामने फिर मॉर्निंग अपडेट लेकर हाजिर होगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, मगर आप देखते रहें जेकेएस न्यूज़। नमस्कार।